केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी ने डीजल, पेट्रोल और गैस कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र से सवाल करते हुए पूछा कि एनडीए सरकार ने गैस, डीजल और पेट्रोल यानी कि जीडीपी से 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, वो पैसा कहां गया। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है। मोदी जी ने पहले कहा था कि मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं और वित्त मंत्री कहती है कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूं। ये विरोधाभास आखिर क्यों इस वक्त जनता के दिमाग में है? ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? चार पांच नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं उनको आप चार पांच कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए।